नमस्कार। 2023 छत्तीसगढ़ को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दोनों ही राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और दोनों ही राज्यों पर कांग्रेस की सरकार है, तो क्या कांग्रेस की सरकार बरकरार रहेगी या फिर बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण यहाँ मटराइज के अनुसार यह निकल कर आ रहा है। और दोनों राज्यों में कहाँ किसकी सरकार बन सकती है, क्या दोनों ही राज्यों में कांग्रेस सरकार में बरकरार रहेगी या फिर बीजेपी यहाँ वापसी करेगी, क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक की तर्ज पर यह दावा कर रही कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो फिर से सरकार बनाने वाले हैं, तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा और किसके जीत के दावे में कितना दम है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2023 की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ का क्या महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, क्योंकि जिस कार के आंकड़े आ रहे हैं वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो इसी साल यहाँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन आज छत्तीसगढ़ का ओपिनियन पोल के हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि 2018 में छत्तीसगढ़ में एक तरफा कांग्रेस ने 65 सीटें हासिल की थी और बीजेपी 16 सीटें और अन्य के पक्ष में 9 सीटें रही थी, तो इस बार कितनी सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। लेकिन 2023 की शुरुआत हो चुकी है और बीजेपी ने यहाँ 2023 के लिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर यहाँ पर जो रणनीति तैयार की है वो काफी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों का क्या ओपिनियन पोल हो सकता है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं और बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े यहाँ निकल कर सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार का कामकाज कैसा रहा है, छत्तीसगढ़ के जो लोगों का कहना है, जिसमें मटराइज का ओपिनियन पोल सामने आ रहे थे कि बहुत अच्छा कहने वाले 38% लोग हैं, संतोषजनक कहने वाले 44% और बेहद खराब कहने वाले 18% लोग आ जाते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, जो महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है। तो छत्तीसगढ़ को लेकर अगला सवाल है, क्या विधानसभा चुनाव में मोदी यहाँ गेम चेंजर के रूप में साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस कार से यहाँ चुनाव यानी वोटिंग के ठीक पहले बड़ी बड़ी जिस कार के रोड शो देखने को मिलते हैं, तो उसका कितना फायदा मिल सकता है। देखिए, बहुत ज्यादा कहने वाले 38% लोग आ जाते हैं, थोड़ा कहने वाले 23% और कोई प्रभाव नहीं होगा 39% लोगों का मानना है, जो मटराइज के अनुसार जो जानकारी निकल कर आ रही है। अब बात की जाए ओपिनियन पोल के हिसाब से 90 सीटों का जो गणित है, उस हिसाब से 2018 में 44% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में रहा था, इस बार अनुमान जो लगाया जा रहा है 2023 में भी 44% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, जबकि बीजेपी को 2018 में 34%, इस बार 43% वोट शेयर, अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। यानी वोट शेयर के मामले में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है, लेकिन 90 सीटों का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 90 सीटों का जो वोट शेयर है उसमें कांग्रेस को 44% वोट शेयर, बीजेपी को 43, रन के पक्ष में 13% वोट शेयर जा सकता है। लेकिन सीटों की जब बात की जाए, 90 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उस हिसाब से कांग्रेस को 47 से 52 सीटें जा सकती हैं, वही बीजेपी को 34 से 39 सीटें जा सकती है, अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट जा सकती है। यानी आज अगर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो फिर कांग्रेस को यहाँ बढ़त दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी यहाँ कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है मटराइज के हिसाब से, यहाँ कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है लेकिन बीजेपी कड़ी टक्कर दे सकती है। तो सवाल ये कि क्या बीजेपी छत्तीसगढ़ में वापसी कर पाएगी, क्या राजस्थान में कांग्रेस बरकरार रहेगी या मध्य प्रदेश में बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रयास रख सकते हैं, आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की चुनावी जनसभाएं, किस प्रकार के चुनावी वादे होते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ के आंकड़े बदल भी सकते हैं। और आपको क्या लगता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्या यहाँ पर आंकड़ा बन सकता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर किसकी जीत हो सकती है, बहुत जल्द आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश का भी चुनावी विश्लेषण दिखाने वाले हैं, तो आपको अपनी राय जरूर रखनी है। मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।